सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वॉच डॉग्स की कंप्लीट स्टोरी हिंदी में। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और बगल में घंटा दिख रहा होगा वो भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। शलगम ले ले, पालक ले ले, लहसुन ले ले, मेथी ले ले, गोभी ले ले, प्याज ले ले, चकंदर ले ले, मूंगर ले ले, मटर ले ले, साग ले 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 ले। वॉच डॉग्स बेसिकली एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है, और ये गेम फर्स्ट टाइम एवर 27 मई 2014 को रिलीज हुई थी। इस गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है अक्टूबर 2012 में। स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट हैकर एडन पियर्स और डेमियन, जो कि उसका दोस्त होता है, हैकिंग करती है मरलॉक होटल में लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे इलीगली निकालने के लिए। पर इसी बीच एक साइलेंट अलार्म बजने लगता है जिसे सेटअप किया होता है दूसरे हैकर ने। तो इसके बाद डेमियन उस दूसरे हैकर को फाइंड आउट करने लग जाता है, और दूसरी तरफ एडन को ये डर लगता है कि इस हैकिंग की वजह से उसकी फैमिली को कोई खतरा ना आए। एडन फैमिली की सेफ्टी के लिए अपनी फैमिली के साथ सरप्राइज ट्रिप पे निकलता है, पर इसी बीच हिटमैन मॉरिस एडन की कार के पहिए पे बुलेट चला देता है, जिसमें एडन की नीस लेना पियर्स की मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के 11 महीने बाद एडन फाइनली उस हिटमैन को पकड़ लेता है शिकागो के बास्केटबॉल स्टेडियम में, और पूछता है कि अटैक के लिए जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसका नाम बताओ। पर हिटमैन कहता है कि उसको उस बंदे का नाम नहीं पता है। तो उसके बाद एडन पियर्स हिटमैन को उसके दोस्तों के हाथों में और उसका एक और दोस्त जिसका नाम जॉडी पियर्स है उसके हाथों में छोड़ देता है, और कहता है कि इस हिटमैन को सिक्योर लोकेशन पे लेके जाए। दूसरी तरफ डेमियन एडन से मिलता है और कहता है कि हमें उस हैकर को फाइंड आउट करना चाहिए जिसने हमें पकड़वाया था, पर एडन मना कर देता है। तो डेमियन पियर्स की छोटी बहन को किडनैप कर लेता है, जिसकी वजह से एडन डेमियन की डिमांड पूरी करने के लिए रेडी हो जाता है। उस हैकर को फाइंड आउट करने के लिए डेमियन एडन को भेजता है, और एडन क्लेरा हिल की मदद लेता है। एक मेंबर होती है हैकिंग सिटी के डेडसेक की, तो एडन को ये पता चलता है कि दूसरा हैकर एक गैंग लीडर भी है और एक फॉर्मल सोल्जर भी रह चुका है जिसका नाम डैकपॉक इराक वेड है। एडन क्लेरा हिल की मदद से डेटा सैंपल भी ऑब्टेन कर लेता है इराक वेड के सर्वर से। एडन और क्लेरा ये डिस्कवर करते हैं कि इराक वेड के पास शिकागो में रहने वाले लगभग हर एक सिटीजन की पूरी इन्फॉर्मेशन है, जिसकी मदद से इराक अपनी गैंग को प्रोटेक्ट करता है। जो डेटा एडन और क्लेरा ने कलेक्ट किया होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो क्लेरा एडन को कहती है कि वो इस डेटा को डिक्रोड नहीं कर पाएगी, और इस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए उन्हें रीमंड कैनी की जरूरत पड़ेगी। तो क्लेरा एडन को कहती है रीमंड कैनी को फाइंड आउट करने के लिए, जिसकी हैकिंग रेट 2003 में नॉर्थ ईस्ट ब्लैकआउट कर दिया था, जिसकी वजह से सिटी ओएस ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो पाया था। इसके बाद एडन रीमंड कैनी से मिलता है, उसके कई टास्क को कंप्लीट करता है, जिसके बाद रीमंड कैनी एग्री कर जाता है डेटा डिक्रिप्ट करने के लिए। इसके बाद एडन पियर्स सडनली इराक वेड के कंपाउंड में अटैक कर देता है और उसके सर्वर से डेटा डाउनलोड कर लेता है। लेकिन तभी इराक वेड और एडन पियर्स फेस टू फेस हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लग जाते हैं, जिसमें एडन इराक वेड को मार देता है और कंपाउंड छोड़ के चला जाता है। इसके बाद एक दूसरा हैकर मार्को विक्स एडन पियर्स के सिस्टम को हैक कर लेता है, और एडन की पूरी इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है, और इसके बाद एडन और कैनी के सर्वर से सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट भी कर देता है। मार्को विक्स एक रिकॉर्डिंग भी छोड़ता है सिस्टम में, जिसमें उसको पता चलता है कि क्लेरा हिल्स शामिल एडन पियर्स और डेमियन को लोकेट करने में उस होटल में, इसकी वजह से एडन पियर्स की नीस लेना पियर्स की मौत हुई थी। इसके बाद एडन पियर्स क्लेरा हिल से कहता है गुस्से में निकल जाने के लिए। दूसरी तरफ जब अथॉरिटीज डेमियन से पूछती हैं कि डेटा सर्वर से लॉस किसने करा, तो डेमियन कहता है कि एडन पियर्स ने करा है। एडन और केनी इसके बाद मार्को विक्स को फाइंड करके उसे ट्रैक डाउन कर लेते हैं, और जितना भी डेटा उसके पास होता है वो सब ले लेते हैं। इसके बाद एडन ये पता लगा लेता है कि डेमियन ने उसकी बहन को कहाँ छुपा रखा है, और एडन उस जगह जाके अपनी बहन को बचा लेता है और उसे पास में किसी सेफ लोकेशन पे ले जाता है। रेमंड केनी पता लगा लेता है कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था हिटमैन को एडन पियर्स की नीस लेना पियर्स को मारने के लिए। तो एडन को पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्टर का नाम लकी क्वीन है, जो कि मरलॉक होटल का मालिक है। सारी बातें सुनने के बाद एडन पियर्स लकी क्वीन के पास जाता है, और दोनों फेस टू फेस हो जाते हैं, जिसके बाद एडन पियर्स लकी क्वीन की पीस मेकर को बंद कर देता है हैकिंग करके, जिसके बाद क्वीन की मौत हो जाती है। ये पीस मेकर एक मेडिकल डिवाइस होती है जिसको लकी क्वीन यूज़ कर रहा होता है अपने हार्ट रेट को नॉर्मल रखने के लिए, और जैसे एडन पियर्स उसको हैक करता है तो वो पीस मेकर को डिसेबल कर देता है, जिसकी वजह से लकी क्वीन की मौत हो जाती है। लकी क्वीन मरने से पहले एडन से कहता है कि उसने इसलिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था हिटमैन को क्योंकि उसे लग रहा था कि एडन सीक्रेट फुटेज को सर्च कर रहा है।
जिसमें दिख रहा था कि मियां रशमोर ने अपनी सेक्रेटरी का एक्सीडेंटली मर्डर कर दिया था। ये मरने के बाद एडन सबसे पहले क्लेरा के घर जाता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि क्लेरा के ऊपर डेमियन के बंदों ने अटैक किया है, क्योंकि पहले से ही क्लेरा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसमें क्लेरा की मौत हो जाती है। फ्रेंड्स, हम क्लेरा को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी क्लेरा मर जाती है। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, जब इतनी सेक्सी लड़की मरती है तो दिल में बड़ा दर्द होता है। एडन पियर्स इसके बाद CTOS को इन्फेक्ट कर देता है वायरस की हेल्प से, जिसकी वजह से सिस्टम शट डाउन हो जाते हैं और पूरी सिटी में ब्लैकआउट हो जाता है। और उसके बाद एडन डेमियन के पास पहुंचता है, जो कि एक लाइट हाउस में छुपा होता है। एडन को इस लाइट हाउस में जॉडी भी मिलता है। जॉडी एडन को कहता है कि अब वो एडन की साइड नहीं है, तो एडन पियर्स जॉडी को इंजर्ड कर देता है और डेमियन को मार देता है। इसके बाद जॉडी एडन को एक लास्ट कॉल करता है, जिसमें वो बताता है कि उसने हिटमैन को कहाँ छुपा के रखा है। उसके बाद एडन उस लोकेशन पे जाता है और हिटमैन का फ्यूचर डिसाइड करता है कि उस हिटमैन के साथ क्या करना है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ वॉचडॉग 1 की स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, और इसमें हमें पता नहीं चलता है कि हिटमैन के साथ क्या हुआ, और ये राज एक राज बनकर रह गया। फ्रेंड्स, मैं जल्दी हिटमैन 2 की स्टोरी भी लाऊंगा। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।